मुल्की और आलमी तारीख में जुलाई 12 की अहम वाकयात 100 कब्ल मसीह रोमन शहंशाह जोली सीजर की पैदाइश हुई। 1290 इंग्लैंड के हुक्मरां एडवर्ड अव्वल के हुक्म पर यहूदियों को मुल्क से निकाला गया। 1489 दिल्ली के सुल्तान बलावल खान लोधी का इंतकाल हुआ। 1542 मार्टिन वान रोसम की क्यादत में फ्रांसीसी फौजियों ने फ्लैंडर्स पर कब्जा किया। 1543 इंग्लैंड खानादन के बादशाह हेनरी हश्तम ने कैथरीन पार के साथ छुट्टी और आखिरी शादी की। 1673 नीदरलैंड और डेनमार्क के माबेन दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। 1674 मराठा हुक्मरा शिवाजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दोस्ती के मुआहदा पर दस्तखत किए। 1785 हॉलैंड में गैस गुब्बारे की पहली परवाज। 1801 अल्जीयर्स की लड़ाई में बरतानिया ने फ्रांस और स्पेन को शिकस्त दी। 1823 हिंदुस्तान में तैयार पहले स्टीमशिप डाना को कलकत्ता में पानी में उतारा गया। 1912 क्वीन एलिजाबेथ अमेरिका में रिलीज होने वाली पहली गैर मुल्की फिल्म बनी। 1918 टोकायाम की खलीज में जापानी जंगी जहाज में धमाका होने से 500 अफराद हलाक हुए। 1920 लिथुआनिया और सोवियत यूनियन के दरमियान उमन मुआहदा। 1935 बेल्जियम ने सोवियत यूनियन को तस्लीम किया। 1943 परोचोरोवका की लड़ाई में रूस ने नाजियों को शिकस्त दी। 12,000 लोग हलाक हुए। 1949 महात्मा गांधी के कत्ल के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक सिंह पर लगाई गई पाबंदी को मशरूत हटाया गया। 1955 अर्जेंटीना में करसचिन डेमोक्रेटिक पार्टी का क्याम। 1957 अमरीकी सर्जन लेरोय बर्नी ने अपने तहकीक में बताया कि तम्बाकू नोशी और फेफड़े के कैंसर का रासत ताल्लुक है। 1960 कांगो चाड और वस्ती अफ्रीका जम्हूरिया ने आज़ादी का ऐलान किया। 1960 सोवियत यूनियन के सतपंत 5 ने 2 कुत्तों के साथ खला के लिए परवाज की। 1960 भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। 1966 अमेरिका के शिकागो में नस्ली फसाद। 1970 इल्कुनिंदा नदी में आए जबरदस्त सैलाब से 600 लोगों की मौत हुई। 1979 करबाती ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान किया। 1982 हिंदुस्तानी टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल की पैदाइश हुई। 1990 रूस के उस वक्त के सदर बोरिस यल्सन ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। 1993 जापान में 7.8 शिद्दत वाले जलजले से 160 हलाक हुए। 1994 फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदर यासिर इरफान 27 बरसों की जलावतनी के बाद गजा पिटी आए। 1997 नोबल इनाम से सरफराज मलाला यूसुफ जई की पाकिस्तान में पैदाइश हुई। 1998 1.7 अरब लोगों ने फ्रांस और ब्राजील के दरमियान हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल देखा। 1998 16वें आलमी कप फिट के फाइनल में फ्रांस ने ब्राजील को 3-0 से शिकस्त दी। 1999 हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार राजेंद्र कुमार का 71 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। 2001 हिंदुस्तान के अगरतला और बांग्लादेश के ढाका के दरमियान दोस्ती बस सर्विस शुरू हुई। 2003 शुमाली और जुनूबी कोरिया एटमी हथियारों के मामले पर बातचीत करने पर मुत्तफिक हुए। 2005 मशहूर क्रिकेट अंपायर डेविड शेफरड ने रिटायरमेंट लिया। 2006 इसराइल ने अपने 2 फौजियों को यर्गमाल बनाए जाने के बाद लुबनान पर हमला किया। 2012 दुनिया के मशहूर पहलवान और हिंदी फिल्मों के अदाकार दारा सिंह का इंतकाल हुआ। 2013 हिंदी फिल्मों के मारूफ अदाकार परान का इंतकाल हुआ।